सत श्री अकाल, नमस्ते और हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों, पिछली वीडियो पे मैंने आपको बताया था SBI के क्लासिक डेबिट कार्ड के बारे में, पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ SBI के ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यही कहूंगा दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं SBI के ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में, तो इसकी अच्छाइयां अगर मैं करूं दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। आप ATM से कैश निकलवा भी सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर भी सकते हो, चाहे वो फॉरन की साइट्स हो। तो इससे क्या आपको दोस्तों कन्वीनियंस मिलता है, क्योंकि मोस्टली आपको पता है अगर इंडिया में आप हो, आप फॉरन में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, या आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकूं। इसमें ये दोस्तों, आपको पहले से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। जब आप ये डेबिट कार्ड लेते हो, ऑटोमेटिकली दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो फॉरेन की हो। इंडिया से भी पैसे आप निकलवा सकते हो और फॉरेन की ATM मशीन से भी पैसे निकलवा सकते हो। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके यूजेस की, दोस्तों अगर इसको जो ये डेबिट कार्ड है, आप इस पे शॉपिंग कर सकते हो। 6 लाख से ऊपर इनके मर्चेंट्स है विद इन इंडिया दोस्तों, और 30 मिलियन वर्ल्ड वाइड। तो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया इससे शॉपिंग कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, आप मूवी टिकट्स बुक कर सकते हो, बिल पेमेंट्स कर सकते हो, ट्रैवल की टिकट्स बुक कर सकते हो, या ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट्स करनी है या कुछ परचेज करना है वो भी आप कर सकते हो। और इसके 2 वेरिएंट है, एक है वीजा और एक है मास्टर कार्ड। वो आपके ऊपर है कि आपने किससे करनी है पेमेंट या कौन सा डेबिट कार्ड आपने लेना है। उसका दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आप विड्रॉ कर सकते हो कैश SBI के ATM मशीन से, चाहे वो विद इन इंडिया हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, और बाकी कोई भी ATM मशीन से, चाहे वो विद इन इंडिया हो या वो आउटसाइड इंडिया हो। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं SBI के रिवॉर्ड्स की, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा इनका फीचर है डेबिट कार्ड के लिए। दोस्तों, अब आपको क्या, अगर आप 200 रुपए से ऊपर स्पेंड करते हो, चाहे डाइनिंग के ऊपर, चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो, चाहे फ्यूल डलवाते हो, चाहे बुकिंग करते हो, चाहे ट्रैवलिंग करते हो, कोई भी चीज अगर आप करते हो, आपको 1 फ्री रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं इनके बोनस ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जो कि पहली ट्रेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको मिलता है, सबसे पहले दोस्तों आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप पहली ट्रांजैक्शन करते हो अपने पहले मंथ के अंदर अंदर, जब आपको ये डेबिट कार्ड मिलता है। उसके बाद दोस्तों, आपको 50 एडिशनल बोनस पॉइंट्स, फ्रीडम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जब आप अगले महीने ही ट्रांजेक्शन करते हो इस डेबिट कार्ड से। उसके बाद दोस्तों, तीसरे महीने जब आप ट्रांजेक्शन करते हो विद इन एक मंथ के अंदर अंदर, दोस्तों आपको मिलते हैं 100 फ्रीडम रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो टोटल आपको 3 महीने के अंदर अगर आप एक एक ट्रांजेक्शन करते हो हर महीने, आपको मिलने वाले दोस्तों 200 फ्रीडम रिवॉर्ड पॉइंट्स। और दोस्तों, ये जो रिडीम करने की बहुत आसान तरीका है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप इसे किचन के एक्सेसरीज ले सकते हो, या आप अमेज़न के वाउचर हो गए, गिफ्ट कार्ड्स हो गए, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड्स हो गए, मेक माई ट्रिप के हो गए, ऐसे बहुत से इनके साथ ब्रांड्स हैं जो लिंकअप है, जिनके आप उनसे जो वाउचर्स ले सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इनकी साइट से या फिर आप गिफ्ट कार्ड्स के जरिए ले सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर मैं बात करूं डेली कैश विड्रॉल और ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन और वर्ल्ड वाइड और विद इन इंडिया एक्सेप्टेड है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कैश लिमिट की विद इन इंडिया ATM के अंदर अंदर, दोस्तों आपको मिनिमम 100 रुपए कर सकते हो और मैक्सिमम जो है दोस्तों वो है 40,000 रुपए। बाकी दोस्तों, इंटरनेशनल की बात करूं तो वो दोस्तों ATM टू ATM वेरी करता है, तो उसके आपको वो कंपनी ही, आपको अगर आप SBI से कॉन्टैक्ट करोगे वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएगी। बाकी दोस्तों, अगर मैं बात करूं डेली कैश लिमिट इंटरनेशनली, तो दोस्तों ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, बट इन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो है दोस्तों आप 40,000 तक पे निकला सकते हो। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर कि आप कितनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मिनिमम दोस्तों विद इन इंडिया की कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो है 75,000 रुपए विद इन इंडिया। अब अगर मैं आउटसाइड इंडिया की बात करूं, जो कि करूं POS ट्रांजेक्शन लिमिट की, तो ये मैक्सिमम दोस्तों आप 75,000 रुपए तक की स्पेंड कर सकते हो। पर दोस्तों, एक बात बोलने वालों की POS का मतलब, ट्रांजेक्शन लिमिट का ये मतलब होता है कि आप इतना लेन देन कर सकते हो, तो ये है 75,000 रुपए की इन्होंने लिमिट आपको दी हुई है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट की, तो दोस्तों आप महीने के अंदर अंदर 50,000 रुपए तक स्पेंड कर सकते हो ऑनलाइन कोई भी आउटसाइड फॉरेन कंट्री की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। बट दोस्तों, ये उसी पे वैलिड रहेगा जिनके साथ जो इनके सिलेक्टेड इंटरनेशनल ऑनलाइन वेबसाइट्स है। अब दोस्तों, एंड में अगर मैं बात करूं SMS ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो दोस्तों जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करते हो आपके मोबाइल पे आपको अलर्ट्स आ जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों, एंड में जो मेन बात है इश्यूएंस और इसके जो चार्जेस आपको पड़ने वाले हैं, दोस्तों इश्यूएंस चार्जेस जब आप ये डेबिट कार्ड लेते हो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बट उसके जो एनुअल चार्जेस साल के साल जो आपको देने पड़ते हैं दोस्तों, वो है 175 रुपए प्लस GST।
और दोस्तों अगर मैं बात करूं रिप्लेसमेंट के चार्जेस, अगर कार्ड कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपने रिप्लेस कराना है तो उसके आपको पड़ने वाले चार्जेस 300 रुपए प्लस GST। तो दोस्तों अब मैं होप करता हूँ कि आपको SBI के ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। दोस्तों यही कहूंगा कि अगर आपने डेबिट कार्ड लेना है, आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हो या आप फॉरेन घूमते रहते हो, तो आपके लिए डेबिट कार्ड बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, उसके अलावा दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ATM से विड्रॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करिएगा और पसंद आए तो शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो पे। धन्यवाद।